साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे लूली एक्ट। साथियों लूली एक्ट जिसका कंपोजिशन लूली कोनाजोल लोशन 1% वेट बाय वॉल्यूम है। साथियों इसमें क्रीम भी आता है, ऑइंटमेंट भी आता है, जेल भी आता है लूली कोनाजोल, लूली कोनाजोल पाउडर भी आता है मार्केट में, सोप भी आता है। साथियों आज हम जो बात करेंगे आपके बीच स्प्रे, साथियों लूली कोनाजोल का स्प्रे भी आता है, ये देखिए साथियों यहाँ पे लिखा भी है। साथियों इसके बारे में बात करेंगे, लूली एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन जानेंगे लूली एक्ट स्प्रे है क्या। साथियों इसके इंपॉर्टेंट यूजेस की बात करेंगे, साइड इफेक्ट की बात करेंगे और ये बॉडी में वर्क कैसे करता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इंट्रक्शन की एंड डोजेस, हाउ टू अप्लाई उसके बारे में बात करेंगे एंड डायरेक्शन फॉर यूज एंड कंपोजिशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे लूली कोनाजोल, जो ब्रांड इसका नाम है लूली एक्ट स्प्रे। लूली एक्ट स्प्रे इज एन एंटी फंगल मेडिसन है। साथियों जो क्रीम बेस में है वही स्प्रे फॉर्म में है, बट इसमें क्या है कि स्प्रे जो है जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे स्प्रे कर देना है, इसमें हैंड का यूज नहीं है इसमें, बट ये भी एक्सटर्नल यूज है। एंड इट किल्स एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फंगस, किसी तरह का फंगस है साथियों उसकी ग्रोथ को रोकता है, साथ ही साथ उसको जो है उसकी सेल वॉल को डैमेज करके उसकी जो है ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है और उससे क्या होता है फंगस खत्म हो जाता है। दिस रिलीव द सिम्टम्स कास्ड बाय द इन्फेक्शन, इट मे बी यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन सच एज एथलीट फूड। साथियों एथलीट फूड क्या होता है कि जो पैरों के बीच में, जो पैर के बीच के अंगूठे और उंगलियों के बीच में जो मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे स्किन जो है सड़ने लगती है और वहाँ पे जो है क्या होता है फटने लगती है और जो है इचिंग होने लगती है, रेडनेस आ जाती है और सूजन आ जाती है, ऐसी समस्या को हम एथलीट फूट कहते हैं। साथियों धोबी इच उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। धोबी इच शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है साथियों कि जब गीले कपड़े पहने रहते हैं या जहाँ पे मॉइस्चर होता है, जैसे कि क्या होता है अंडरवियर पहन लिया है और उसके बीच में साइड में जो है क्या होता है इचिंग होने लगती है, रेडनेस होती रहती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ऐसे केस में धोबी इच कहते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड जॉक इच साथियों क्या होता है कि पैर और उंगलियों के बीच में, हाथ की उंगलियों के बीच में जो है जो इचिंग होने लगती है उसको जॉक इच कहते हैं। एंड थ्रस साथियों क्या होता है स्किन में एक तरह से जो है फफोले टाइप के पड़ जाते हैं और स्किन जो है छिलने लगती है अपने आप फंगस इन्फेक्शन की वजह से। एंड रिंग वॉर्म दाँत जैसे हो जाता है, दाँत खाज खुजली उसमें भी ये स्प्रे इस्तेमाल किया जाता है। एंड ड्राई एंड फ्लकी स्किन, ड्राई एंड फ्लकी स्किन क्या होता है ये चेहरे पे जैसे माथे पे हो जाता है, गालों पे हो जाता है, रेडनेस आ जाती है और उसमें क्या होता है साथियों पपड़ी जैसी खुलने लगती है, ऐसे केस में जो है फ्लकी स्किन कहते हैं। साथियों फंगस इन्फेक्शन किसी तरह का है उसमें विकार में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि अभी हमने बताया, एक बार और साथ में बताएंगे। धोबी इच है जिसको हम एक तरह से खुजली होती है कि नमी की वजह से हो जाती है, जॉक इच जैसे चकत्ते वगैरह पड़ जाते हैं और जो है क्या होता है कि स्किन में रेडनेस आ जाती है। एथलीट फुट पैर की उंगलियों के बीच में खुजली होती है, इचिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है और क्या होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है, थ्रस हो जाता है, उसमें रिंग वर्म दाज खाज खुजली एंड फ्लकी स्किन में टीनिया पीडिया, टीनिया क्रूसिस एंड टीनिया कारपोरस, ये जो है फंगस का किसी तरह का विकार है स्किन पे उसमें इस्तेमाल करने वाला ये लूली एक्ट स्प्रे है। साथियों ये तो यूजेस की बात हो गई, साइड इफेक्ट की साथियों बात करेंगे तो इसको एप्लीकेशन साइट रिएक्शन होने के चांस होते हैं क्योंकि इसको स्प्रे करते हैं साथियों। साथियों इसके बारे में इस तरह के साथियों ये बोतल होती है और ये इसका स्प्रे है, इसको ओपन करके इसको लगा के जैसे और जहाँ पे भी इस्तेमाल करना होता है वहाँ की स्किन को पहले फ्रेश वाटर से साफ करके और क्या होता है उसको टावल से सुखा लेते हैं और लगभग 5 सेंटीमीटर आसपास छोड़ के उसको स्प्रे कर देते हैं, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो साइट रिएक्शन होने के चांस होते हैं, किसी किसी पर्सन को जो है क्षणिक लक्षण है साथियों और बहुत रेयर में देखा गया है कि जो है बर्निंग एंड इरिटेशन होने लगता है, इचिंग होने लगती है और रेडनेस आ जाती है, अगर ऐसा होता है तुरंत इसका जो है उपयोग बंद कर दें, अदरवाइज जो है क्या कहते हैं ये ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलती है। कभी कभी किसी किसी पर्सन को ड्राई स्किन हो जाती है। तो साथियों इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट हैं इसके, ये वर्क कैसे करता है बॉडी पर। साथियों लूली एक्ट स्प्रे जो है क्या है, जैसा कि अभी हमने बताया डिस्क्रिप्शन में, एंटी फंगल मेडिकेशन है दैट ट्रीट स्किन इन्फेक्शन, फंगस का किसी तरह का स्किन पे इन्फेक्शन है उसमें उपयोग में लाई जाने वाली ये स्प्रे है। एंड इट किल्स द इन्फेक्शन काजिंग फंगी डिस्ट्रॉय देयर सेल वॉल, और ये क्या होता है फंगस जो होता है फंगी होती है उसकी जो सेल वॉल को डैमेज कर देता है और उससे क्या होता है
उसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है और फंगस इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। साथियों, जो डिस्कम्फर्ट होती है, इचिंग होती है, इरिटेशन होती है ऑन द स्किन, वो तुरंत ही प्रॉब्लम दूर हो जाती है साथियों। तो इस तरह से वर्क करता है। साथियों, इंट्रेक्शन की बात करेंगे तो जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाएं, अगर कोई पहले से लोशन लगा रहे हैं या कोई दवा खा रहे हैं या कोई बीमारी है, तुरंत बताएं। तो उसके साथ इंट्रेक्शन के, जैसे ओमिप्राजोल कैप्सूल अगर खा रहे हैं तो तुरंत उसका सेवन बंद कर दें, उसके साथ इंट्रेक्शन होने के चांस होते हैं। साथियों, हाउ टू अप्लाई। साथियों, जैसा कि पहले बताया, क्रीम में हमने साथियों ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसमें बताया था। उसमें क्या होता है कि आफ्टर एंड बिफोर, मतलब पहले और बाद में दोनों टाइम हाथ धुलना है, और हाथ धुल के क्रीम को जो है लगा के जहाँ पे इन्फेक्टेड एरिया है उसके सरफेस एरिया पे लगाना है। बट इसमें साथियों क्या है कि ये स्प्रे है, इसमें क्या होता है कि आप स्प्रे को जहाँ भी इन्फेक्टेड है वहाँ पे फ्रेश वाटर से धुल के टावल से सुखाने के बाद स्प्रे कर देना है, और जो है क्या होता है कि वहाँ पे वो मेडिसिन एब्जॉर्ब कर लेगी। साथियों, दिन में 2 से 3 बार जो है जहाँ भी दिक्कत है वहाँ पे करना है साथियों। साथियों, इसी के साथ हम कंपोजिशन की बात करेंगे। लूली एक्ट इसका ब्रांड नेम है, और जो इसमें लूली कोनाजोल मिला है 1% वेट बाय वॉल्यूम मिला है। साथियों, डायरेक्शन फॉर यूज की बात करेंगे तो सेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि ये स्प्रे है, जब भी आप इसको इस्तेमाल करें इस तरह से सेक करेंगे, बिफोर यूज करेंगे और वहाँ पे एप्लीकेशन साइट पे स्प्रे कर देंगे, और इसको क्या है कि एट 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस अफेक्टेड एरिया के आसपास जो है स्प्रे कर देंगे, और दिस इज एक्सटर्नल यूज ओनली, ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज होता है साथियों। साथियों, ये जो इसकी MRP है साथियों, ये 30 ml का स्प्रे है, ये देखिए साथियों लिखा है, और 195 रुपये की MRP है। साथियों, जब भी आप इसको परचेज करें, इसकी जो है एक्सपायरी और जो है क्या होता है इसकी जो है बोतल जरूर चेक करें, कहीं डैमेज तो नहीं है या फिर एक्सपायर्ड तो नहीं है इस तरह से। तो साथियों, इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, नमस्कार।